नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपका आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के टर्म वन एग्जामिनेशन के बारे में जो कि हमारे कंडक्ट होने जा रहे हैं सेवनटीन नवंबर 2021 को तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अभी तक अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक सब डिस्क्रिप्शन में मैंशन है आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड हेज डिवाइडेड द सिलेबस इंटू टू पार्ट फॉर बोथ क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने अपने सिलेबस को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है दोनों ही क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के लिए टर्म वन और टर्म टू में टर्म वन हमारा जो है इसमें फिफ्टी परसेंट सिलेबस को हमारा कवर किया जाएगा और बाकी फिफ्टी परसेंट सिलेबस को टर्म टू में हमारा कवर किया जाएगा अब बात कर लेते हैं टर्म वन एग्जाम के बारे में जो कि हमारे सेवनटींथ नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन से होने जा रहे हैं तो यहां पे लिखा हुआ मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर सेल्फ सेंटर्ड यानी कि ज्यादातर स्कूल हमारे जो वो है वो सेल्फ सेंटर्ड हैं यानी कि अपने ही स्कूल में हमारा एग्जाम होगा सेकंड पॉइंट हमारा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर हमारा जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा यानी कि एमसीक्यू बेस्ड हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा पेपर विल बी इवेल्युएटेड बाय द टीचर्स ऑफ दैट सेंटर हमारा जो सेंटर होगा वहीं के टीचर्स हमारा पेपर को इवेल्युएट करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सिटी कोडिनेटर सेंटर सुपरिटेंडेंट डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑब्जर्वर एंड कंप्यूटर टीचर इन कंडक्टिंग एग्जाम तो इन सब लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है एग्जाम को कंडक्ट कराने में आगे चलते हैं ट्वेल्व स्टूडेंट्स विल सेट इन वन रूम एक रूम में ट्वेल्व स्टूडेंट हमारे एग्जाम देंगे आफ्टर द एग्जाम विल ओवर आंसर की बाय सीबीएसई बोर्ड विल बी गिवन टू स्कूल्स विद इन थर्टी मिनट्स देश ऑफ दैट आंसर की ओएमआर विल बी चेक बाय द टीचर जैसे हमारा एग्जाम ओवर हो जाएगा उसके थर्टी मिनट्स में सीबीएसई बोर्ड स्कूल को आंसर की सेंड कर देगा जिसको कि वो लोग डाउनलोड कर लेंगे और उसके बेसिस में वो ओ एम आर को हमारी इवेल्युएट करेंगे हाउ टू फिल ओएमआर शीट करेक्टली अब देख लेते हैं कैसे हम लोग को ओ एमआर शीट को बिल्कुल सही तरीके से भरना है क्योंकि ओ एम आर शीट को करेक्टली फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट तो इसलिए वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा एक एक पॉइंट बहुत जरूरी होने वाला

क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटर्न ऑन द क्वेश्चन पेपर तो क्वेश्चन पेपर पे कोड मेंशन होगा उस क्वेश्चन पेपर का जो कि हमको अपनी ओ एम आर शीट के अपर राइट कॉर्नर पे लिखना होगा जहां पे स्पेस दी गई होगी जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैंडिडेट हैज टू राइट इन हिज आर ओन हैंड द स्पेस प्रोवाइडेड आई कन्फर्म दैट ऑल particulars गिवेन above आर करेक्ट एक बॉक्स नीचे दिया होगा मैं भी आपको दिखाऊंगा वहां पे आपको बिल्कुल सेम टू तो सेम यही एज इट इज सेंटेंस आपको वहां पे लिख लेना है कि आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर गिवेन above आर करेक्ट और उसके बगल में ही आपको अपना साइन भी करना होगा ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज टू बी यूज फॉर फिलिंग डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेज सिर्फ आप ब्लू बॉल पेन का या ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं ओएमआर को फिल करने के लिए यूज ऑफ पेंसिल स्ट्रिक्टली प्रोबेटेड पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल भी हमको वहां पे नहीं करना है फॉर गिविंग अ रिस्पॉन्स फोर सर्कल्स दैट इज ए बी सी एंड डी आर गिवेन इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन अ रो कैंडिडेट्स वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ रिप्लाई शुड डार्क इन द सर्कल विद इन अ पेन तो फोर ऑप्शंस यहां पे हमको दिए होंगे ए बी सी और डी जिनमें से जो भी आंसर को लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं, उसको आप डार्कन कर लेंगे अगर आपको लगता है कि ए ऑप्शन करेक्ट है तो ए को डार्क कर लेना है बी लगता है तो बी को कर लेना है आफ्टर फोर सर्कल्स आर ओवर अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो कैंडिडेट हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स दैट इज ए और बी और सी और डी एज द आंसर उसके ठीक सामने एक बॉक्स भी हमको दिया होगा जो भी आंसर आपको लगता है कि करेक्ट है जब आप उसको लेकर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो उस बॉक्स में आपको वो ऑप्शन लिख देना है जैसे अगर आपको लगता है कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है तो उस बॉक्स में आपको ए लिख देना है अगर आपको लगता है कि सी ऑप्शन करेक्ट है तो उस बॉक्स में आपको सी लिख देना है आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवेन अड ऑफ बॉक्स वेयर द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटर्न इन साइड द सर्कल दिस सर्कल इज टू बी डार्कन बाय द कैंडिडेट्स इफ दे हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन तो यहां पे कह रहे हैं कि बॉक्स के बगल में एक सर्कल होगा जहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर लिखा होगा अगर कोई क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो उसको हमको डार्क इन करना होगा कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्किंग द सर्कल इफ फुल्ली सेटिस्फाइड देन दे शुड राइट अ रिस्पॉन्स इन अ बॉक्स पर्पज ऑफ गिविंग अ बॉक्स इज ओनली दैट इफ एनी कैंडिडेट विशेष टू चेंज द रिस्पॉन्स द सेम बी रिटर्न इन द बॉक्स यहां पे इनका कहना यह है कि जब हम लोग पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाए अपने आंसर को लेकर तभी हम उसको बॉक्स में लिखें सपोज अगर आपको लगता है कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है और उसको लेकर अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप बी को डार्क कर लेंगे पहले सर्कल को फिर तो तो उसके ठीक सामने जो बॉक्स दिया होगा वहां पर आप उसको बी लिख देंगे अगर आपको लगता है कि नहीं इसका सी आंसर होना चाहिए पर मैंने बी को डार्क कर लिया तो आप बॉक्स में सी लिखेंगे रिप्लाई इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल जैसे कि मैंने बताया कि बॉक्स में जो आप रिप्लाई को लिखोगे वही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा तो वो जिस तरीके की आप देख सकते हो ओएमआर शीट आपको मिलेगी तो ये डेटा जो होगा पहले से ही आपका प्री फिल्ड आएगा यहां पे आपको क्वेश्चन पेपर कोड लिख देना है और आप देख सकते हैं ये करेक्ट मेथड है हमारा ओएमआर को फिल करने का जो भी आंसर आपको लगे कि ये करेक्ट आंसर है उसको आपको फुली डार्क एंड कर लेना आप देख सकते हैं ठीक अब चलते हैं नीचे तो एक बाबा मैं फिर से आपको समझा देता हूं प्रैक्टिकली कि कैसे हम लोग को ओ को फिल करना है जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर वन है और आपको लगता है कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा तो हम लोग ऑप्शन सी को डाक इन कर लेंगे और ये इसके ठीक सामने जो बॉक्स है यहां पे हम लोग सी लिख देंगे उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू की मान लीजिए क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन हमको अगर डी लगता है हम लोग डी को फुली डाक इन कर लेंगे और सामने हम लोग डी लिख देंगे क्वेश्चन नंबर थ्री मान लीजिए अगर हमको नहीं आता है हमको छोड़ना है तो हमको उसके ठीक सामने यहाँ पे थ्री को हमको डॉ करना होगा क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसको हमको यहां पे डार्क करना होगा तो इस थ्री पे हम लोग इसको हम लोग डाक कर देंगे कि ये क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर पर आ जाते हैं फोर पर अगर हमको लगता है कि ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा तो ऑप्शन ए को हम लोग डाक कर लेंगे और यहां पर हम लोग ए लिख लेंगे उसके बाद हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर फाइव में अगर हमको लगता है कि ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा तो ऑप्शन सी को हम लोग डॉक कर लेंगे अगर तो हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा तो हम लोग आगे बॉक्स में सी लिख देंगे पर अगर मान लीजिए हम, हम लोग लो कॉन्फिडेंट नहीं है बाद में हम लोग को लगता है कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा तो हम लोग यहां पे डी लिखेंगे पर हम लोग को अंदर डी को दोबारा डाक करने की जरूरत नहीं है ऐसे हम लोग मान लीजिए सिक्स पे आ गए ऑप्शन ए अगर हमको आंसर लगा ऑप्शन ए को हम लोग डाक करेंगे आगे हम लोग ए लिख देंगे सेवेंथ में की बात करें तो हम लोग बी ऐसे हमको लगता है कि इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा तो बी को डाक करेंगे और सामने यहां पे बी लिख देंगे एट मान ली नहीं आता तो एटथ को हम लोग यहां पे इस क्वेश्चन को इस सर्कल को डाक कर लेंगे इसका मतलब हम लोग क्वेश्चन नहीं आता नाइन्थ का मान लिये ऑप्शन ए लगता है तो ऑप्शन ए को हम लोग डाक करेंगे आगे ए लिख देंगे क्वेश्चन नंबर टेन में अगर हमको लगता है कि बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा और हम लोग उसको लेकर अगर कॉन्फिडेंट हैं तो हम लोग बी को डाक कर देंगे और यहां हम लोग बी लिख देंगे पर अगर हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है कि बी आंसर्स का करेक्ट आंसर होगा बाद में हमको लगता है कि इसका आंसर तो डी होगा तो फिर हम लोग को डी को दोबारा डाक करने की जरूरत नहीं है हम लोग सामने वाले बॉक्स में डी लिख देंगे तो एक चीज आपको यहां पे ध्यान में रखनी है कि इन बॉक्स में जो भी आप आंसर को फिल करोगे वही आपके फाइनल आंसर माने जाएंगे उसके बाद यहां पर यह बॉक्स जो हमको दिया हुआ है यहां पर हमको ये स्टेटमेंट जो है वो लिखना है आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अब आर करेक्ट या अपना लिख देंगे यहां पर उसके बाद यहां पर आपने सिग्नेचर कर देंगे तो इस तरीके से आप अपनी ओ एम आर शीट को फिल करेंगे तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको और लोगों को भी आप शेयर करें जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिले एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स थैंक यू